हमारे द्वारा पोस्ट की गई वीडियो पूरी तरह से मनोरंजन के लिए है। इस चैनल पे दिखाए गए किसी भी प्रकार की खरीदारी करने से पहले कृपया विक्रेता से स्वयं मिले। अगर आप खरीदारी करने के लिए किसी से संपर्क करते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी और चैनल किसी भी नुकसान, धोखाधड़ी आदि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। गाइज माय नेम इज़ शादाब, मैं हूँ अभी बिन रहमान गोल्ड फार्म पे सीओर में रहमान भाई के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शादाब भाई, खैरियत से हैं रहमान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी माशाल्लाह तकरीबन 6-8 महीने बाद ही आना हो रहा है आपके फार्म के ऊपर, और क्या क्या चेंजेस कर दिए अभी फार्म पे? भाई अपने वही पुराना ब्रीडिंग सेटअप है, शौक के जानवर है अपने, लेकिन इस बार देख रहा हूँ क्वालिटी थोड़ी सी इनहेंस हुई है, जानवर अलग क्वालिटी के देख रहे हैं भाई। अपन क्वालिटी पे काम करते हैं सिर्फ। माशाल्लाह कितने जानवर पाले ये साल? इस साल अपने पास है 12 जानवर। 12 जानवर है, 12 जानवर हैं और भी ज्यादा जानवर हैं, लेकिन सेल अपने को 12 जानवर करना है। माशाल्लाह, तो अभी इस वीडियो में कौन कौन से ब्रीड के बकरे दिखाएंगे आप? अपने पास मालवा है, हंसा है और कोटा है। ठीक है, और एक वीडियो अलग से बनाएंगे जिसमें कोटा ही कोटा ज्यादा है अपने पास, वो दिखाएंगे आप। अपने व्हाइट कलर के हंसा और मालवा है। ठीक है, और दूसरे पार्ट में अपन कोटा दिखाएंगे। ओके, तो अपन स्टार्ट कौन से बकरे से करेंगे भाई? अपने यहीं की लोकल जो ब्रीड है, जो अपनी पसंद की है, मालवा। मालवा से करते हैं। ठीक है, यही है मालवा का बकरा माशाल्लाह, और बहुत बढ़िया बकरा है, हाइट भी काफ़ी अच्छी दिख रही है। नापी आपने इसकी हाइट कितनी है? इसकी 37-38 हाइट आएगी। 37-38 के बीच में हाइट है, और वज़न में कितना आ रहा है? 65-70 किलो इसका वेट है। माशाल्लाह, घुमाओ आप ये साइड पर थोड़ा बकरा। वैसे अपने फार्म पे तो सभी बकरे सेल्फ फीडिंग के ही होते हैं? हाँ भाई, सब सेल्फ फीडिंग, भराई का कोई काम नहीं है, है ना? ना, भराई नहीं करते भाई। ठीक है, और दांतों में कितना हो गया रहमान भाई? भाई अभी 4 निकाल लिया, ये फ्रेश 4 दांत अभी निकाल रहा है फ्रेश, माशाल्लाह। और वजन इसका आपने चेक किया? हाँ भाई, 65-70 के बीच का वेट है। 65-70 का वेट है, ठीक है। और कितने में सेल करना है बकरा भाई? प्राइस सबके पर्सनल में रहेंगे, कॉल के ऊपर बताओगे सभी का प्राइस? जी भाई, कॉल पे बताएंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं देख रहा हूँ एक बकरा ये भी बना है माशाल्लाह, कोटा के अंदर है ये, मालवा है भाई, कोटा है ये, शॉर्ट हाइट में, शॉर्ट हाइट और नॉर्मल कानों के अंदर है, लेकिन खूबसूरत बहुत है ये अपना होम ब्रीड है ये। अच्छा, घर की बकरी का ही बच्चा है? जी जी, और इसीलिए माशाल्लाह इतना एक्टिव और अच्छा दिख रहा है वो। हाँ, जो भी होम ब्रीड के जानवर होते हैं उनमें एक अलग चमक होती है जी, ये बात तो देखी है मैंने। इसकी डिटेल क्या है, हाइट वेट? भाई अभी ये अदंत है। ओके, और इसका वेट आएगा 45 kg के समथिंग, 45 किलो के आसपास वजन आ जाएगा, और हाइट का अंदाज 34-35 इसकी हाइट होगी। ओके, और दांत कब तक नहीं करेगा रहमान भाई? अभी भाई अब कर लेगा ये, इतने तक ईद तक कर लेगा, 12 महीने होगा इसको। अगर कोई कुर्बानी करना चाहे तो आराम से कुर्बानी लायक हो जाएगा, कुर्बानी हो जाएगी ईद के टाइम तक, है ना? जी भाई, माशाल्लाह। तो इसका भी जो भी प्राइस है वो आप कॉल के ऊपर बताओगे। फिलहाल बकरा माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, मेरे हिसाब से तो पलटी करने वाला ही बच्चा है ये, एक साल पालो उसको आराम से तो बेहतरीन और अच्छी चीज़ बनेगी, क्योंकि अभी बचपन से ही वो बहुत अच्छी अपनी जो क्वालिटीज़ हैं वो सब दिखा रहा है ना। जी भाई, ठीक है रहमान भाई, आगे बढ़ते हैं। रहमान भाई एक बच्चा ये है माशाल्लाह हंसा के अंदर जी, और बहुत खूबसूरत बच्चा है, फर की क्वालिटी भी बढ़िया है, एक साइड से कजला है और एक साइड से बिल्कुल गुलाबी रखा हुआ है वो, है ना जी भाई? के दोनों साइड से ही कजला है, एक साइड से भाई कजला वो, एक उसका वाइट एक ब्लैक है। अदंती होगा अभी? हाँ, अदंत बच्चा है। कितने महीने का ये? 10-11 महीने का हो गया भाई। 10-12 महीने का है, तो मतलब ये भी कुर्बानी के लायक है बच्चा,
और दांत कर लेगा बकरा ईद तक? हाँ इंशाल्लाह, क्योंकि अभी तो पूरे पूरे दो महीने के आसपास बचे हैं बकरा ईद को। जी ठीक है, डिटेल बता दिए इसकी। और भाई 40 kg के समथिंग है इसका वेट। ओके, और अदन थे, हाइट इसकी आ जाएगी 35-36 के तकरीबन। ठीक है, और इसे छोटा बच्चा, इसका भी प्राइस पर्सनल में ही रखने वाले? हाँ भाई, प्राइस तो अपन सबके पर्सनल में रखेंगे। ठीक है, इस बार आपने इरादा कर लिया कि प्राइस जो है वो कॉल के ऊपर बताना है, पर्सनल में रखना। अच्छी बात है। खैर, कलेक्शन माशाल्लाह बहुत बढ़िया है इस बार, सारे बकरे जो हैं फुल क्वालिटी के अंदर है। सब स्टार्टिंग में जब अपन ने शुरू किया था वीडियो बनाना, जब मालवा के बकरे रखते थे मुंडे, जी हाँ, लेकिन धीरे धीरे करके आपको भी समझ आई कि क्या चीज़ बिक रही है मार्केट में तेज, तो उसी में शौक करा जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हाँ भाई, क्वालिटी ही में ही रखें, रखो वही चीज़ अच्छी रहती है। सही बात है। ठीक है भाई, तो अभी अपन ने तीसरा बकरा देख लिया और तीनों बकरे ये अभी तक के फोर सेल के लिए जी। इसके बाद एक बच्चा ये है, ये अपनी होम ब्रीड है। अभी होम ब्रीड है, माशाल्लाह क्या बात है। हे कौन सा कोटा ही है ना? हाँ भाई, ये हंसा है भाई, इसकी माँ अपने पास हंसा है। ओके, और उसका फादर? इसका नहीं, अपने पास लोड आई थी, वो लोड आई थी। बहुत शानदार भाई, बच्चा निकला। अभी दांतों में कितना हो गया? अभी फ्रेश दो दांत लगाए इसने, दो दांत अभी लगाए हैं। और हाइट और वेट कितना है इसकी? 36 हाइट है, 55-60 kg इसका वेट है। ठीक है, इसीलिए हंसा आपने वो है क्योंकि उसके अंदर लेंथ भी जो है भरपूर आई हुई है, जो कि हंसा बकरों के अंदर ही देखने को मिलती है ज़्यादातर। जी भाई, ठीक है। अभी ये आपके पास मतलब फार्म पे ही पैदा हुआ है, तो मैं यही पूछूंगा कब से भाई इसको अपने पास? 12-13 महीने हो गए, दांत कर लिया इसने। दांत कर लिया 12-13 महीने, लेकिन भाई बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है 13 महीने के हिसाब से। दूध पिया है भाई, फुल दूध पिया होगा बकरा। अच्छा, कितने टाइम तक पिलाया था इसको दूध? भाई आज तक दूध पी लिया है, अलग से ऊपर से जो दूध खरीद के। कौन सा, भैंस का या बकरी का ही? भैंस का दूध। बहुत बढ़िया, इसीलिए ग्रोथ जो है माशाल्लाह अच्छी हुई है बकरे की। अगर कोई चाहे तो ब्रीडिंग पर्पज से भी बकरा रख सकता है। हाँ भाई, तो रेमन भाई आपका इरादा क्या है, अभी सेल करोगे बकरा रखोगे? भाई सब सेल करेंगे अपन, सब सेल करोगे, क्योंकि अभी जानवर आना है अभी। हम्म, तो उनके लिए जगह करना है। जी जी, तो इसलिए इनको सेल करके वो आ जाएंगे। सही है, ये लाइव स्टॉक है, इसे तो रोटेट करते रहना पड़ेगा, क्योंकि ये जाएगा तो फिर नया माल आएगा। जी भाई, ठीक है, माशाल्लाह बकरा अच्छा है। प्राइस इसका जो भी रहेगा तो वो आप कॉल के ऊपर बता दोगे। सिक्के भी बहुत जोरदार हैं बकरे का, चेहरा कान हर चीज़ से कंप्लीट है। हाँ, लेकिन मुझे लग रहा है इसे खस्सी करके अगर कोई पालेगा तो और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। हाँ भाई, अब वो जो पाले वो जैसा पाले जाए। बिल्कुल, जो कामोरी बकरे जो होते हैं उस टाइप का ही लुक आएगा बकरे के अंदर इंशाल्लाह। ठीक, उसके बाद ये भी लास्ट में एक ये हंसा और है, ये भी होम ब्रीड है अपनी। होम ब्रीड है आपकी जी। क्या उम्र है इसकी अभी? ये अदन थे, 12 महीने का बच्चा है ये। 12 महीने का बच्चा है, अदन थे। वजन में कितना आएगा? 45-50 kg आएगा बकरा। 45-50 kg जी, ठीक है। और हाइट इसकी? हाइट इसकी आएगी 36। इधर घुमाओ चेहरा इसका आप। हाँ आप, ठीक है माशाल्लाह। 36 इसकी हाइट आएगी माशाल्लाह, 36 की हाइट। और भाई जी जी, और बहुत अच्छा ब्रीडिंग क्वालिटी का। तो इनकी जो फीमेल है वो अभी है अपने पास? अपने पास है ना, उनसे ब्रीडिंग लेना चालू है अभी भी? हाँ, चल रहा है। तो ब्रीडर भी होगा आपके पास इनका? है ना मेरे पास। वो दिखा नहीं रहा है ना सेल कर रहा है आप? हाँ भाई, वो दिखाने का नहीं है अभी। अच्छा जी, ठीक है भाई। माशाल्लाह कलेक्शन सब बहुत जोरदार है। अभी जितने भी अपन ने वाइट बकरे देखे, सारे बकरे बहुत अच्छी क्वालिटी के अंदर है। अब जिसको भी प्राइस जानना है तो वो कॉन्टेक्ट कर ले आपसे, कॉल के ऊपर बात कर ले। एक बकरा बड़ा निकल के आ गया भाई। हाँ भाई, ये सबसे बड़ा बकरा है अपने पास जो सेल फीडिंग पे। अच्छा, सेल फीडिंग पे है। और माशाल्लाह कोटा है, कलर कॉम्बिनेशन का भी राजा है भाई। बहुत अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है बकरे का, ब्राउन एंड वाइट। डिटेल्स क्या है इसकी, हाइट कितनी होगी भाई? 38 इसकी कन्फर्म हाइट है। ओके, 85 kg इसमें वेट है। हाँ, चेक किया हुआ वेट है अपना। और दांतों में कितना हो गया? तो मैं फ्रेश 6 दांत निकाल लिया है। 6 दांत अभी निकाल रहा है जी। होम ब्रीड या परचेज किया था? बच्चा लिया था अपन ने। कितना बड़ा लिया था? 35 kg का था उस टाइम। 35 kg जी। और कितने टाइम पहले इसको अपने पास साल भर हो गई? 1 साल से पाल रहे हैं आप, लेकिन 1 साल में 35 से बहुत अच्छा वेट बकरे ने गेन किया। तो अभी तो मेरे हिसाब से ये बकरा भी दांतों में कम है, तो रिपीट किया जा सकता है। हाँ भाई। लेकिन कुर्बानी कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। आपकी क्या राय है, पालना चाहिए या कुर्बानी कर लेना चाहिए? भाई मेरे हिसाब से तो पलटी के लायक बकरा है वो। पलटी करना चाहिए इसको, है ना? क्या रिजल्ट आएगा अगर 1 साल तक और पलटी कर लिया तो? भाई अब जैसा उस्ताद हो सेल फीडिंग पे। अभी मान लो आप ही रखते इसको 1 साल और? भाई मैं सेल फीडिंग पे रखता है, 100-120 kg तक हो जाता मेरे पास इंशाल्लाह। माशाल्लाह, कहाँ से परचेज किया था भाई ये बकरा आपने? भाई यहीं से लोकल से लिया। लोकल से ही लिया था। एक बार खाली रस्सी पकड़ के कंट्रोल करो ना उसको, कान छोड़ दो खाली रस्सी से इसके साथ, हाँ, ताकि वो खुल के दिखे। इस तरफ ले जाइए, आगे उस तरफ ले आइए आगे।
माशाल्लाह। अभी रहमान भाई इतनी टाइट पकड़े हुए थे तो बकरा वैसे समझ में नहीं आ रहा था, अभी क्या है खुल के दिखा एकदम, माशाल्लाह। कुछ नाम रखा रहमान भाई इसका भी? भाई मेरा बेटा है, वो कहता है इसे सुल्तान। सुल्तान जी, माशाल्लाह। ठीक है, ये भी अभी सेल करोगे आप? हाँ भाई ये भी सेल करेंगे ना। क्या मांगोगे इसका अगर अभी कोई पूछता है जैसे डिमांड? भाई वो पर्सनल में बता दूंगा, जो शौक करने वाला है वो ले लेगा। सही है, बाकी जिसे कमेंट्स करना है वो कमेंट्स करते रहेगा। सही है, हमेशा खरीदने वाला जो होता है भाई वो डायरेक्ट कॉल लगा कर प्राइस पूछता है और बकरा खरीद लेता है। ठीक है भाई, तो अभी फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतने ही बकरे दिखाना थे जी भाई। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह जो अपना कोटा का और बचा हुआ स्टॉक है वो अपन दिखाएंगे पब्लिक को जी भाई। अब जो लोग भी प्राइस के लिए इंटरेस्टेड होंगे या बकरों के लिए तो वो आपसे ज़रूर कॉन्टेक्ट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।